अगर यहाँ से अगर अपन आगे कहेंगे ना तो अपने को मिलेगा शमशाबाद। हेलो दोस्तों, परिंदा ना मौजूद फिर एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल पे। नए तो सब्सक्राइब कर दा, लाइक कर देना, शेयर कर दा, कमेंट करके सजेशन देना दोस्तों। और ना इंस्टा की लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। आज मैं आया हूँ GMR रोड, जो कि हैदराबाद का एयरपोर्ट की रोड है। चलिए अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन पहाड़े जो कि एयरपोर्ट जाने से पहले मिलेंगी हम लोग को। ये एक देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक जंगल हुआ करता था, वो ख़तरनाक तरीके का जंगल था, बट आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रोड बन चुकी है। और अब थोड़ी देर के बाद आएगा अपना हैदराबाद का एयरपोर्ट। ऐसी करके मैं आपको हैदराबाद की जगहें बताऊँगा आपको मैं। और आज देख सकते हैं दोस्तों बहुत बेहतरीन हो चुका है मौसम। कल आई थी ख़तरनाक तरीके से बारिश, अनएक्सपेक्टेड बारिश आई थी। बट क्या है, हैदराबाद में क्या हुआ, गर्मी बहुत हो गई ना, तो थोड़ा सा बारिश आना ज़रूरी है। और ना थोड़ा सा ना मेरी आवाज़ ना आपको ज़रा सा सही तरीके से नहीं आएगी, क्यों बोलो, यहाँ पे हवा बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। साई प्रिया, ये कोई स्कूल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं अब एंटर करूँगा एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ से अपना एयरपोर्ट स्टार्ट होगा। ये आप देख सकते हैं आसमान कैसा खुला खुला आसमान, बहुत ही प्यारा दिख रहा है आप लोगों को और मुझे भी। पहले बेगमपेट में हुआ करता था एयरपोर्ट, बट यहाँ पे क्या हुआ, चेंज होके यहाँ पे आ गया, शमशाबाद के करीब में आ गया GMR अरीना। यहाँ पे आया था DJ स्नेक आया था। ये बहुत बेहतरीन तरीके का अरीना है जहाँ पे लाइव DJ कॉन्सर्ट होते हैं। और आप देख सकते हैं हवा किस हिसाब से आ रही है, ये देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे ऐसा ख़तरनाक जंगल हुआ करता था, लेकिन अब बेहतरीन यहाँ पे मस्त रोडें डल चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे बन चुका है एशिया का टॉप फाइव में आता है अपना हैदराबाद का एयरपोर्ट। और आप देख सकते हैं इंडियन ओनली एयरपोर्ट बेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ओहो एरोसिटी, ये अडानी का है। देख सकते हैं यहाँ पे है 9 होटल जो कि एयरपोर्ट से बहुत करीब है। जितने भी स्टार्स आते हैं ना यहीं पे स्टे करते हैं। रॉकी हैंडसम की शूटिंग हुई थी ना, तो जॉन यहीं पे आके स्टे करा था। और थोड़ी दूर जाएंगे तो आएगा अपने को डिकैथलॉन। एक बार मैं डिकैथलॉन में जाके भी एक ब्लॉग करूँगा बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर देना इंस्टा और यूट्यूब पे। और आप लोगों को सॉरी, आप लोगों को ना होली मुबारक बहुत बहुत आप लोगों को। देख सकते हैं डिकैथलॉन आगे मिलेगा अपने को। नो पार्किंग यहाँ पे, 40 की स्पीड से चलना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ हाजी लोग के लिए अलग से टर्मिनल बनाया गया है यहाँ पे, और डिपार्चर अराइवल और कार्गो फैसिलिटी का अलग अलग है। अगर यहाँ से अगर अपन आगे कहेंगे ना तो अपने को मिलेगा शमशाबाद मंडी।